शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या है अपडेट? सातवें जो लगातार गिनती हो रही है, सातवें राउंड के बाद बीजेपी आ गए, अब इसमें क्या कुछ तब्दीली नजर आ रही है, वहां पर आप मौजूद हैं? जी निश्चित ही बता दूं, कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतगणना का कार्य चल रहा है। दसवीं राउंड का, 10 राउंड का मतगणना कार्य है, समाप्त हो चुका है। इस समय जो आपको बता दूं, कुसुम देवी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 2812 वोट मिला है 10वें राउंड में, और वहीं मोहन गुप्ता जो महागठबंधन से, उनको 2178 वोट मिला है। तो इंदिरा यादव जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, उनको 315 वोट मिला है। तो इस तरह से अभी भी जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, ये 10वें राउंड में भी बढ़त बढ़ाते हुए दिख रही है। जी शैलेंद्र, मुश्किल कहाँ आ रही है? बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि वो आगे है, जीत रही है, पर यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या यहाँ समीकरण बीजेपी ने जैसे सोचे थे वैसे नजर नहीं आ रहे? देखिए, जो दावे कर देना और जनसभा में भीड़ इकट्ठा कर देना, उसको वोट में कन्वर्ट कर देना, ये तीनों अलग अलग बात है। उसके दावे हर आदमी करता है, लेकिन जो अभी जो सामने जो तस्वीरें उभर के आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है जिस तरह के दावे वो लोग करते थे। अभी 10 राउंड लगभग 50% जो राउंड होना है उसका खत्म हो चुका है। 24-25 राउंड का मतगणना यहाँ पे होना है, इसमें 10 राउंड समाप्त हो चुका है। इसमें बहुत ज्यादा जो अंतर है वो नहीं दिख रहा है, 2019 और 2000 के समथिंग अंतर दिख रहा है। तो जो दावे हैं वो दूसरी चीज है, और उस दावे को हकीकत में उतारना दूसरी चीज है। हालांकि बीजेपी अभी भी आगे चल रही है और महागठबंधन, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है आगे अभी क्या, अभी तकरीबन 15 राउंड की गिनती बाकी है, तो ये भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगा कि आगे क्या होगा। जी